आज हम आपको बताने वाले हैं डीएमएस में 100% कैसे लेकर आना है। सबसे पहला लाइन इसमें है रिटेल अदरेंस मार्क्स। कहने का मतलब ये होता है अगर इस मंथ मेन डीलर आपका 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जितने भी गाड़ी आपको बिल किया है उसका 90% गाड़ी इस मंथ आपको सेल करके हटाना है। अगर उसने 10 गाड़ी बिल किया तो आपको 9 गाड़ी सेल करके हटाना है। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बिलिंग पे डिपेंड करता है, जीआरएन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, बिलिंग पे डिपेंड करता है। होता कभी कभी क्या है, 30 तारीख को आपका सही चलता है लेकिन 31 को बिलिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से आपका मार्क्स ये 15 से डाउन हो जाता है। इस चीज को भी फोकस आपको करना है पहले से प्लान करके। अब आते हैं आपको इंक्वायरी वर्सेस रिटेल मार्क्स। मतलब ये होता है जितने भी व्हीकल आपने बेचा है उसका 2 गुना इंक्वायरी डीएमएस में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर 1 गाड़ी बेचा है तो 2 इंक्वायरी भी हुआ तो इस कैटेगरी में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 गाड़ी बेचा है, 10 इंक्वायरी भी होकर हुआ तो इस कैटेगरी में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 गुना इंक्वायरी होना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ डेज इंक्वायरी में भले कम हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट कैटेगरी आता है नंबर ऑफ डेज इंक्वायरी, यानी 20 डेज आपको इंक्वायरी करना है। अगर 20 डेज, कहने का मतलब हर दिन अगर एक एक इंक्वायरी भी कर दिए आपका ये कोटा हो जाता है। आपको इंक्वायरी हर दिन करना है। अब आते हैं आपको इंक्वायरी वर्सेस फॉलो अप मार्क्स। जितना भी इंक्वायरी, जैसे कि 5 इंक्वायरी किया, उस हर एक 5 इंक्वायरी का भी अगर हम फॉलो अप कर दिए इस कैटेगरी में आपको 20 मार्क्स मिल जाता है। अगर आपने 40 इंक्वायरी किया, 40 इंक्वायरी का फॉलो अप कर दिए, 20 नंबर आपको इस कैटेगरी में मिल जाता है। अब आते हैं हम अदर देन वॉकिन। जब भी इंक्वायरी करते हैं वहां पर पूछा जाता है कि इंक्वायरी मोड क्या होगा। वहां पर वॉकिन कभी नहीं सेलेक्ट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें हम आपको मार्क्स नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कस्टमर जब टीवी पर एडवर्टाइज दिया, देखा देखा या पेपर न्यूज़पेपर में देखा तभी आपके पास आया, उसमें हम आपको मार्क्स क्यों दें? उसमें आपने कोई मेहनत नहीं किया। हाँ, अगर आप टेलीफोनिक डालते, डायरेक्ट मार्केटिंग डालते हैं, इसमें आपने मेहनत किया, यानी वहां पर हम आपको मार्क्स देंगे। एग्जिस्टिंग व्हीकल इन्फो होता है, इसमें 15 मार्क्स, यानी हम जानना चाहते हैं कि आपके एरिया से, जैसे प्रीवियस व्हीकल जब होता है ना, प्रीवियस व्हीकल वहां पर पूछा जाता है कि ये कस्टमर पहले कौन से गाड़ी यूज करते थे, तो हम जानना चाहते हैं कि कंपनी होंडा का कस्टमर हमारे में आया या हीरो को आया या कौन सा कंपनी का कस्टमर हमारे में कन्वर्ट हुआ। अब आते हैं हम नंबर ऑफ डेज जॉब कार्ड। 30 20 दिन आपको जॉब कार्ड, अगर एक एक जॉब कार्ड भी आपने किया इसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। पार्ट इशू टू जॉब कार्ड, यानी हर जॉब कार्ड में पार्ट इशू होना चाहिए। अगर किसी जॉब कार्ड में पार्ट इशू नहीं हुआ है तो अगला पद देखिए नंबर ऑफ जॉब कार्ड विथ इनवॉइस वैल्यू, यानी हर जॉब कार्ड में एटलीस्ट लेबर चार्ज लगना चाहिए अगर पार्ट इशू नहीं हुआ है तो। एफएससी क्लेम मार्क्स ये बहुत जरूरी है। ये 28 तारीख को सारे एडी को एफएससी क्लेम आंख बंद करके कर देना चाहिए, चाहे उसका ओटीपी किसी भी जॉब कार्ड का पेंडिंग ही क्यों ना हो। नेक्स्ट टाइम में जब आपको ओटीपी मिल जाएगा तो एफएससी जब क्लेम करते हैं तो बैक डेट से आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 28 तारीख को आपको करना है एफएससी क्लेम। इससे क्या होता है कि पूरा जोन का सेटलमेंट 2 से 3 तारीख को हो जाता है। अगर किसी का पेंडिंग होता है एफएससी तो हम लोग सेटल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं।
और इसकी वजह से मेन डीलर भी अपने सारे एडी का सेटलमेंट एक बार नहीं कर पाता है अगर किसी एडी का छूट गया तो। इसलिए 28 तारीख को एफएससी करना बहुत जरूरी है अगर आपको क्लेम का सेटलमेंट एवरी मंथ चाहिए तो। अब आता है आपका जॉब कार्ड कंप्लेन रेशियो मार्क्स। मतलब ये हम कस्टमर से पूछते हैं कि सर आपके गाड़ी में और क्या खराबी है, एटलीस्ट 2 कंप्लेन हमने मैंडेटरी किया है ताकि हम जानना चाहते हैं कि उस गाड़ी में और क्या क्या खराबी आ रहा है ताकि उसका मॉडिफिकेशन हम वहाँ कंपनी में कर सकें। जिस दिन आपने उसमें डालें कंपनी को उसी दिन पता चल जाता है कि रेडियो में या किसी भी गाड़ी में क्या क्या खराबी आना शुरू हुआ है ताकि प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से आपको दे सकें। अब आते हैं हम नंबर ऑफ पार्ट इनवॉइस अपडेशन इन, यानी पार्ट का डायरेक्ट इनवॉइस। पार्ट जाएंगे डायरेक्ट इनवॉइस, क्रिएट पार्ट नंबर डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, सेव करेंगे, यानी आपने लोकल मिस्त्री को पार्ट आपने दिया या नहीं दिया, लोकल मिस्त्री को आपने सपोर्ट किया या नहीं किया। इसमें भी हम आपको 20 मार्क्स देते हैं। पार्ट जीआरएन मार्क्स मतलब कि मेन डीलर से आपने पार्ट उठाया या नहीं उठाया, तो मेन डीलर से आपको पार्ट उठाना है, इसमें आपको हम 40 मार्क्स देते हैं। एटलीस्ट एक बार आपको मेन डीलर से पार्ट्स उठाना ही है। पार्ट स्टॉक मार्क्स कहने का मतलब पहले आप P201 में पार्ट करंट स्टॉक में जाकर चेक कीजिए कि आपका पार्ट का स्टॉक कितना है, 1 तारीख को चेक कीजिए। फिर उसके बाद में पार्ट सेल कीजिए, ठीक है, पार्ट इनवॉइस लिस्टिंग में, यानी P201 में पार्ट का स्टॉक चेक कीजिए, उसको डिवाइड बाय 6 कीजिए, यानी 6 मंथ के अंदर में आपको पार्ट सेल करना है। तो पी ये आपको इनवॉइस करना पड़ेगा उतना ही का पार्ट जितना डिवाइड करके आएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है P201 में स्टॉक अमाउंट जितनी है उसे डिवाइड बाय 6 कीजिए, जितना अमाउंट होगा इस मंथ आपको पार्ट सेल करना है। कितना पार्ट आपने सेल किया, क्या किया, आप पार्ट इनवॉइस लिस्टिंग में भी जाकर देख सकते हैं कितना पार्ट बचा हुआ है सेल करने के लिए, वो आप अपना प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।